हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ मेड फॉर फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3. सो एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट सम है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट. सो फर्स्ट सम में हमें क्या फाइंड करना है, ये जो हमें फ्रैक्शंस के पेयर्स गिवन है इसमें हमें फाइंड करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं. सो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 85 पर आपको एग्जाम्पल दी गई है जिसमें हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं. चेकिंग ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एग्जाम्पल, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. सो इस एग्जाम्पल में क्या फाइंड करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं. जैसे फर्स्ट पार्ट है 4/5 एंड 20/25. बी पार्ट है 2/7 एंड 8/28. एंड सी पार्ट है 4/15 एंड 15/19. तो इन सभी में हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं. तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एग्जांपल के जितने भी पार्ट हैं ए बी सी, उनका सॉल्यूशन दिया गया है. इसमें हमें क्या करना है, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं. सो फर्स्ट पार्ट में हमें जो फ्रैक्शंस गिवन है वो है 4/5 एंड 20/25. तो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई करना है सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ. मींस 4 × 25 = 100. तो जब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ तो कितना आया हमारा आंसर, 100. नेक्स्ट, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर के साथ. सो 5 × 25 × 20 = 100. तो जब हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ कितना आंसर आया हमारा, 100. सो स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सेम आया है, 100 आया है. जब हमने फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई किया सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ तो कितना आया आंसर, 100. और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जब हमने मल्टीप्लाई किया सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर के साथ तो कितना आया आंसर, 100. तो दोनों टाइम क्या है, 100 आया. मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम है, 100. तो इट मीन्स ये क्या है, 4/5 इज इक्विवेलेंट टू 20/25. इट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. 4/5 इक्विवेलेंट है 20/25 के. सो नेक्स्ट, बी पार्ट में भी सेम किया है, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई किया सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ तो कितना आया आंसर, 2 × 28 = 56. नेक्स्ट, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर के साथ, 7 × 56. तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट क्या है, सेम आया है. इट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. 2/7 इज इक्विवेलेंट टू 8/28. सो सी पार्ट है 4/15 = 15/19. तो इसमें भी क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई करना है सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ. 4 × 19 = 76 एंड फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर के साथ. तो जब हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर के साथ तो कितना आया, 225. तो स्टूडेंट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम नहीं आया, डिफरेंट आया है. इट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है. तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक पर यहाँ पर लिखा है इज इक्विवेलेंट टू, मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखी गई है बट ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. तो यहाँ पर आपको लिखना है 4/15 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 15/19, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम नहीं आया है. तो जब हमने फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 76. एंड नेक्स्ट स्टेप में जब हमने फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर के साथ तो कितना है, 225. इट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट सेम नहीं है, इसका 76 है, नेक्स्ट का 225. इट मीन्स 4/15 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 15/19. तो स्टूडेंट्स, अब आप जान चुके हैं कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे चेक करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं. तो नेक्स्ट अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का जो फर्स्ट सम है उसका फर्स्ट पार्ट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट दिया है. तो फर्स्ट सम में हमें क्या फाइंड करना है कि क्या ये
ये जो पेयर दिया गया हमें फ्रैक्शन का, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन लिए 3/7 एंड 12/28। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, न्यूमिरेटर मीन्स फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमिरेटर है उसे मल्टीप्लाई करना है सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। सो 3 × 28, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया 3 को 28 के साथ, तो 3 × 8 = 24, 28 का लग गया यहाँ पर 4, 2 कैरी एंड 3 × 2 = 6 एंड 6 + 2 = 8, कितना आया 84। सो 3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 28 के साथ कितना आया हमारा आंसर 84। नेक्स्ट हमें करना है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर के साथ। सो 7 × 12 =, तो जब हमने 7 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ कितना आया आंसर 84। सो 7 × 2 = 14, 14 का लग गया यहाँ पर 4, 1 कैरी, 7 × 1 = 7 एंड 7 + 1 = 8, 84। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, सेम आया 84। इट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। Therefore, 3/7 is equivalent to 12/28. That is answer. So students, next अब हम करेंगे first sum का second part. So students, यहाँ पर मैंने first sum का second part लिया है. So second part है 4/9 and 12/27. तो इसमें भी हमें ये check करना है कि क्या ये equivalent fractions का pair है या नहीं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। वो सो 4 × 27 एंड फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर के साथ, 9/9 × 12। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 27 के साथ। सो 4 × 7 = 4 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 7 = 28, 28 का लग गया यहाँ पर 8 एंड 2 कैरी। नेक्स्ट हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 4 × 2 = 8 एंड 8 + 2 = 10, तो कितना आया आंसर 108। जब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 27 के साथ तो कितना आया आंसर 108। एंड नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है 9 को 12 के साथ। सो 9 को सबसे पहले हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 = 18, 18 का लगे यहाँ पर 8, 1 कैरी, 9 × 1 = 9 एंड 9 + 1 = 10, तो इसका भी कितना आंसर आया 108। स्टूडेंट्स इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम आया 108। इट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे देयर फोर 4/9 इज इक्विवेलेंट टू 12/27, दैट इज आंसर। सो स्टूडेंट्स आपको ये सम अच्छी तरह से समझ आ गए हैं, और फर्स्ट सम के नेक्स्ट जितने भी पार्ट है वो सभी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे।